हेलो सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता अपनी इस वीडियो दे विच। ते ए वाली वीडियो स्पेशल होने वाली है फोटो एडिटिंग के उपर। बाकी थंबनेल तो वेख लिया होना वा किदां दी फोटो ही ते किदां दी बनाती है। तो इस वीडियो तुहानू फोटो एडिटिंग बेसिक दसांगे, तो अगली कोई वीडियो होगी तो उहदे विच फिर तुहानू वीडियो एडिटिंग भी दसांगे। मैनूं पता तुसीं फोटो एडिटिंग करन वास्ते इस वीडियो नूं क्लिक कीता वा, जरूर तुहानू इस वीडियो दसांगे किदां एडिट करी दी है। बाकी मैं इंस्टाग्राम के उपर ज़्यादा रील्स नहीं अपलोड करता, फोटो ज़्यादा अपलोड करी दी एडिट करके। कभी कभी बिना एडिट तो भी कर दी जो लगता कि हाँ ज़्यादा वधिया आ गई है, मैं ज़्यादा सोहना हो गया। तो तुहानू पहलां चाहिए ने तीन ऐप। ऐप के नाम की है? पिक्सआर्ट, लाइटरूम ते स्नैपसीड। तिने ऐप तुसी डाउनलोड करने, बिना देखो ऐप तो बिना देखो एडिटिंग हो ही नहीं सकती। जे ते कहो कि फोन की सैटिंग एडिटिंग कर लिए तो नहीं हो सकता। मैं मोबाइल एडिटिंग तुम दसागा मोबाइल फोटो एडिटिंग किदा करी दी है इस वीडियो दे विच। फिर इंस्टाग्राम के उपर क्वेश्चन पूछा है कि फोटो ते वीडियो एडिटिंग दे उपर कोई वीडियो लैके आवा या ना आवा। तो बहुत सारे यार जवाब आया कि यस, कई ने कहा तुहानू, जिन्हां नू ना वेखो कोई टेंशन नहीं। तो जिन्हों का यस यार उन्होंने वास्ते स्पैशल वीडियो वा। तो इस वीडियो तुम मैं तीन ऐप दसते हुए ने डाउनलोड करने हैं। पिक्सआर्ट के देखो पिक्सल पड़ जाते हैं, तो इस तो बचने वास्ते एक ही तरीका वा, पहले तो नैट ऑन करना अपने फोन का, तो सब तो थले जाना तो मैं कलर तुम मिलने वाइट ब्लू येलो ब्लिंक पिंक ब्लिंक पता नहीं कहड़ा। तो ये तिने तुम करने सिलेक्ट, तिने नहीं सॉरी एक करना, कोई भी कलर का कर सकते। वैसे मैं ज़्यादा वाइट ही करता हूँ वा, जो होर कोई मैं नहीं करता हूँ। वाइट करके तो तुम मैं जी आपकी फोटो देखते हो पिक्सआर्ट के तुम एडिटिंग करने का तरीका दसन दिया वा। एड फोटो जाना अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है, जिक्स पैक कटने गूगल तो, शोल्डर कटने हैं डोले मतलब डोलियां की फोटो वगैरह कड के सेव करके फिर जाना एड फोटो उपर। अपनी फोटो सिलेक्ट करने तो बाद फिर डोलियां की फोटो सिलेक्ट करनी एड करके, फिर तो अपने हिसाब ना इतने रख देनी है ना अपनी चैसट के उपर, सिक्स पैक वगैरह अपने चैसट जिन्या जिस तरह भी है इन्होंने रख के फिर तो उपर इरेजर वाला ऑप्शन होने ना इरेज कर देना वा साइडा तो, मतलब साइडा तो है ना खराब ना हो दिखे ना कुछ भी, मतलब ओरिजिनल लगे फोटो जी रियलिस्टिक। फिर तो करन तो बाद जे तुहाडे हेयर थले ने तो तुम उपर कर सकते हो। वैसे तो मैं निकलिया, मैं तो वैसे फोटो के चुखाया कि मैं बाथरूम का निकलिया ना आके, तो मतलब कि बॉडी शोडी बनी हुई है इस मतलब कुछ दिखाने की मैं कोशिश की फोटो के। सो फिर इस बाद करना अपलाई सिलेक्ट कर लेनी फोटो सेव करन तो बाद तुम फिर जाना वो लाइट रूम के। लाइट रूम के तुम अपने हिसाब शैडो जी तो ताकि घट है तो तुम बता सकते हो, एंड इफेक्ट वाले साइ जाके तुम इफेक्ट में जाके लाइट रूम तुम फिर टैक्सचर थोड़ा जहा वधाउणा वा इतने 5% तक, तो कलैरिटी नहीं छेड़ना। विगनाइट जोड़ा है थोड़ा जहा माइनस के जान दौ जिस तरह की 15-20% इन्ना की विगनाइट में जाने तो बाद थोड़ा माइनस के। मेरे को फोन नहीं है, मैं उदा जो मेरे दिमाग के आई जाना है ना इदा एडिट की है वह मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता, जो गलती हो जाए तो माफ़ करो। तो मतलब कि क्योंकि मैं यार फोन तो गया वीडियो बनाने इस करके मैं नहीं बना सकता कोई होर, मेरे को फोन नहीं है करे। तो फिर विगनाइट तो बाद जाना वा अपने हिसाब से कर लेना है ना। बाकी तो लाइट रूम इन्ना मतलब कि औखा नहीं है, जे तो अपनी कोई भी मतलब उदा की फोटो नहीं मतलब तुम कितने पानी नहीं, वैसे नॉर्मली जो फोटो खिंच के एडिट करनी हो तो सीख सकते हो। एक एक चीज़ करके ना ओपन करके तुम वेखोगे तो तुम आ जाएगा, कोई इन्ना औखा नहीं है लाइट रूम चला। वैसे मैंने भी पहला औखा लगता है, इन्ना औखा नहीं है सिंपल ज्यादा। उस तो बाद जाना वा यार करके अपना सारा डिटेल में, डिटेल में जाने बाद लाइट रूम च शार्पनैस थोड़ी जी बढ़ा देनी है। शार्पनैस इतने कितने अपने फोटो के हिसाब से वेख लो, जे तुहाडी फोटो ज़्यादा लगती हो ब्लर वगैरह जिस तरह की भी है तो थोड़ी शार्पनैस बढ़ा के रेडियस में थोड़ा जहा बढ़ा देना वा 20-30%। उस तो बाद जाना वा नॉइस रिडक्शन, ये भी बढ़ा दी तुम 30-40% नॉइस रिडक्शन, तो मास्किंग भी इन्नी की बढ़ा देनी 30-40%। बाकी ये सब कुछ करके डिटेल भी थोड़ी जी बढ़ा दौ 5-10% कि तुहाडी फोटो डिटेल भी आए। इन्ना करन तो बाद फिर तुम जाना वा सेव करके स्नैपसीड के। स्नैपसीड के तुम वेखना है जिथे ताडे जे तुहानू लगता कि इतने ज़्यादा ब्राइटनैस है, इतने ज़्यादा ब्राइटनैस जिथे तुहानू लगता लत्तां पैरां हत्थां बाहां ते, तुम ब्राइटनैस घट वध कर सकते हो, ब्राइटनैस कॉन्ट्रास्ट शैडो वगैरह अपने हिसाब नाल कर सकते हो सिलैक्ट करके। ज़्यादा औखा नहीं है यार, कोई भी ऐप चलाना ज़्यादा औखा नहीं है ना। पिक्सआर्ट है, पिक्सआर्ट का मैं तुहानू दसदा कि जे तुहाडे पिक्सल पाड़दे आ तो तुम किदां संभाल सकते हो। बाकी पिक्सल पाड़ दिया तो कोई चक्कर नहीं यार, मैं तुम दसदा एक वाइट ब्लैंक शीट लैनी है नैट ऑन करके, सब तो थले तुम कलर्स मिलने वाइट सिलैक्ट कर लियो,
ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਓ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਲਓਗੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚੇਪਣੀ ਆ। ਚੇਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਕਸਆਰਟ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਜ਼ਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਕਸਆਰਟ ਦਾ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਪਿਕਸਆਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਪਿਕਸਆਰਟ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਿਕਸ, ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਲਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਛ ਵੀ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਕਸਲ ਪਾੜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਫੋਟੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਰੂਮ ਸਨੈਪਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਬਲੂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਜਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ। Run free and dive into the sky.